नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 23 अप्रैल गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को 153 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें जयपुर में 68, अजमेर में 44 लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं टोंक में 17, जोधपुर में 11, कोटा में 6, नागौर में 4, दौसा, सवाई माधोपुर और भरतपुर में एक एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला, जिसके बाद राजस्थान में कुल आंकड़ा 1888 पहुंच गया। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत 20 अप्रैल से प्रदेश के आरटीओ डीटीओ ऑफिस खुल गए हैं। आरटीओ, एआरटीओ और डीटीओ स्तर के अफसर आ रहे हैं, लेकिन पब्लिक वर्क नहीं हो रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के तहत जिन वाहनों की आरसी और लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गए हैं, वे 30 जून तक मान्य होंगे। लॉकडाउन हटने के बाद इन्हें 30 जून से पहले रिन्यूअल करवाना होगा, लेकिन आदेश में लेट फीस को लेकर स्थिति क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तक निर्धारित तारीख तक फीस टैक्स जमा नहीं कराने पर परिवहन विभाग में लेट फीस का प्रावधान है। अब देखना है कि एक्सपायर हुए इन आरसी लाइसेंस पर लेट फीस लगेगी या फिर नहीं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इनमें 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। जालौर जिले की भीनमाल तहसील के खाकराला गांव में लॉकडाउन में बंद पड़े एक सरकारी स्कूल में नाबालिग प्रेमी युगल ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। पुलिस के अनुसार 19 वर्षीय युवक कोरा दासमा गांव का रहने वाला था। खाकराला गांव में उसका ननिहाल था, जबकि 16 वर्षीय लड़की खाकराला गांव की रहने वाली थी। एक ही जाति के दोनों युवक युवती में प्रेम प्रसंग चल रहा था। रात को दोनों गांव के बंद पड़ी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक बार फिर मिले और देर रात एक पेड़ पर फंदा लगाकर झूल गए। आज सुबह ग्रामीणों ने स्कूल में पेड़ पर दो शव लटकते देखे, उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। अजमेर रोड पर एक टैंकर टायर फटने के कारण पलट गया, जिस कारण उसका चालक घायल हो गया और टैंकर से भरा ऑयल सड़क पर फैल गया। सूचना मिलने पर पहुंची हाईवे एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने मौके पर उपचार किया। जानकारी के अनुसार जयपुर निवासी 30 वर्षीय गोपाल लाल गांधी धाम से टैंकर में साबुन का ऑयल भरकर दिल्ली जा रहा था। इसी दौरान ब्यावर में अजमेर रोड हाईवे पर उसका टैंकर असंतुलित होकर पलट गया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस के साथ ही हाईवे एम्बुलेंस के यशपाल चौधरी और मोहन सिंह मौके पर पहुंचे तथा घायल चालक को मौके पर प्राथमिक उपचार दिया। सोदपुर शहर के मसूरिया स्थित बलदेव नगर गली नंबर 13 में रहने वाले एक 16 साल के पवन उर्फ प्रिंस पुत्र भवरलाल सैन ने अर्धरात्रि अपने घर में रस्सी का फंदा लगाकर जान दे दी। रात को उसका बड़ा भाई पानी पीने उठा, तब किशोर फंदे पर लटका मिला। उसे तत्काल फंदे से उतारकर एमजी अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने उसे मृत बता दिया। आज सुबह देवनगर पुलिस ने कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंपा। राजस्थान के सरदार शहर में लॉकडाउन के बीच छोटे छोटे बच्चों पर रामायण का असर चढ़कर बोल रहा है। छोटे छोटे बच्चे अपने घर पर रहकर रामायण के गेटअप में आकर अपना मनोरंजन कर रहे हैं, साथ ही वह सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर वायरल डाल रहे हैं। वहीं ये बच्चे लोगों को कोरोना के प्रति पोस्टर बनाकर जागरूक भी कर रहे हैं। इधर एसपी ने चूरू वासियों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन कर रखा है। इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में बच्चे अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से भाग ले सकते हैं। वार्ड 20 के निवासी कुछ बच्चे रामायण का गेटअप धारण कर यहाँ से गुजरने वाले लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।